धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के समीपस्थ ग्राम खलगाट में एक ही रात में अलग अलग चार जगह चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसमें सोना चांदी और नकदी चोर ले उड़े। वहीं चोरी का अनुमान लाखों रुपए का बताया जा रहा है। चोरी की यह घटना बुधवार गुरुवार रात्रि करीबन 2 बजे के दरमियान की बताई जा रही है, जिसमें सदाशिव कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने 2 मकानों से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी में आपको बता दें कि चोरों ने बड़े ही शातिराना तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों की लूट कर फरार हो गए। खलगाट से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। चोरी की घटना हुई क्या कुछ जगह? चोरी की घटना हुई करीबन 2:15-2:30 बजे की बात है। करीबन 10 तोला सोना है, 5-1 किलो चांदी है और 85,000 रुपये नकदी है। आपको कब मालूम पड़ी थी? हम सुबह उठे, जब मालूम पड़ा हमारे को, सुबह उठ के आए तो देखा दरवाज़ा टूटा हुआ था। अच्छा, पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म करा आपने? पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आ भी गए हैं, सारी चीज़ें उनको बता भी दी है। आपका नाम? हरीश। जो कॉलोनी में चोरी की वारदात है, क्या पूरा मामला है सर? ये मामला है, हरीश गर्ग जी के यहाँ पे चोरी हुई है। कैम फुटेज में दिख रहे 2-3 व्यक्ति, उसमें से दरवाज़ा तोड़ के, दरवाजे से प्रवेश करके गोदरेज के अंदर रखा सोना चांदी और नकदी कुछ रुपए ले गए हैं। कितने लाख के होना चाहिए चोरी? ये तो अभी आकलन करके बताएंगे, चोरी हुई है। सोना चांदी कितना होना चाहिए? 10 तोला सोना बता रहे हैं, 5 किलो चांदी। नकदी? नकदी 50,000। आपका सुपना? सुरेंद्र वास्कले, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।